किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कृषि और कृषि अवसंरचना फंड में 1,00,000 करोड़ रुपए के आवंटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का आभार व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पहली कैबिनेट में किसानों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कृषि और कृषि अवसंरचना फंड में 1,00,000 करोड़ रुपए के आवंटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पहली कैबिनेट में किसानों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। 1,00,000 करोड़ की कृषि अधोसंरचना निधि मंडियों के माध्यम से विभिन्न किसान हितैषी योजनाओं में खर्च होगी, जिससे मंडियां मजबूत होंगी। उन्होंने बताया कि मंडियों के माध्यम से किसानों तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। मंडी में किसानों को सभी सुविधाएं दी जाएंगी। किसानों को फूड प्रोसेसिंग प्लांट, कृषि उपकरण, एक्सपोर्ट आदि सुविधाएं दी जाएंगी। किसानों को नाबार्ड बैंक से 3% की छूट दी जाएगी। वहीं उद्योग पर 40% की सब्सिडी दी जाएगी। 33% वेयर हाउस पर सब्सिडी दी जाएगी। कमल पटेल ने कहा कि किसानों को सही तरीके से अब आज़ादी मिली है। किसान के बेटे नौकरी के लिए इधर उधर नहीं भटकेंगे, बल्कि उद्योगपति बनकर मजबूत होंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंत्रिमंडल के विस्तार करने के बाद में जो पहली कैबिनेट हुई है, उसमें सबसे अधिक प्राथमिकता किसानों को दी गई है। किसानों के लिए 1,00,000 करोड़ का कृषि के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जारी किया। वो माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने बताया है कि मंडियों के माध्यम से किसानों तक पहुंचेंगे, यानी कृषि उत्पादक समूह को फूड प्रोसेसिंग प्लांट के लिए, कृषि उपकरण के फैक्ट्री के लिए, ग्रेडिंग साइडिंग और एक्सपोर्ट करने के लिए मिलेंगे। जो हम मंडियों के अंदर हमारे मध्य प्रदेश में 557 मंडियां हैं, जिसमें से 298 उप मंडियां हैं, 259 मंडियां हैं। इसमें जो रिक्त जगह है वहाँ हम वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग प्लांट, ग्रेडिंग प्लांट, सॉर्टिंग प्लांट और भी किसानों को जो आवश्यकता लगेगी उनके उत्पाद समूह को उपलब्ध कराएंगे। और बैंक से 3% ब्याज की छूट रहेगी नाबार्ड से। उसके अलावा 40% उद्योग पर सब्सिडी, 33% वेयर हाउस पर, कोल्ड स्टोर 50% सब्सिडी किसानों को मिलेगी। ये आज़ाद भारत में पहली बार हुआ है और इसलिए अब किसान सीधे खेती के साथ व्यापार, व्यवसाय, उद्योग कर सकेंगे। किसान के बेटे पढ़ लिख कर जो बेरोजगार होकर नौकरियों के लिए भटकते हैं, वो नौकरी के लिए नहीं भटकेंगे बल्कि उद्योगपति बनेंगे, सब्सिडी का लाभ लेंगे और मजबूत बनेंगे और नौकरी देने वाले बनेंगे। और इस प्रकार सही मायने में किसानों को, गाँव को आज़ादी दिलाने वाले कोई प्रधानमंत्री हैं तो नरेंद्र मोदी जी। इसलिए मैं मोदी जी का और नरेंद्र सिंह तोमर जी केंद्रीय कृषि मंत्री का मध्य प्रदेश के किसानों की ओर से, मुख्यमंत्री शिवराज जी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और अभिनंदन करता हूँ। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।